हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कनाडा। मैं इस टाइम टोरंटो सिटी में हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं आपको टोरंटो सिटी एक्सप्लोर कराऊंगा। तो जैसा कि आपको मालूम है, टोरंटो जो है वो बहुत से लोगों का ड्रीम है, यहाँ पे आना, विजिट करना, इस सिटी में रहना, अपना कैरियर बनाना। एक लुक एट द कैमरा, स्कैन योर पासपोर्ट, इंटरव्यू डिटेल्स और बायोमेट्रिक्स देने के बाद आपको ऐसा टोकन मिलेगा जो आपको बॉर्डर ऑफिसर के पास लेके जाना हो। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं टोरंटो आ चुका हूँ, क्योंकि टोरंटो सिटी देखने का मेरा ड्रीम था जो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा हो गया। मैं भी उन पैसेंजर्स में से हूँ जिनको एयरपोर्ट पे लेने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन यहाँ पर मेरे कुछ रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं और उनको मैं एक सरप्राइज़ दूँगा अचानक यहाँ पर आने का, और ये उनके लिए सरप्राइज़ होगा कि जोर का झटका धीरे से लगे। टोरंटो सिटी एयरपोर्ट जो है वो कूल एयरपोर्ट लग रहा है। यहाँ से मैं मालूम चला कि सिटी सेंटर जाने के लिए यहाँ से हमें ट्रेन भी मिल सकती है, टैक्सीज भी हैं, और इसके अलावा यहाँ से जो है वो फ्री शटल सर्विस चलेगी जो हमें ट्रेन स्टेशन तक लेके जाएगी। बाकी यहाँ पर मनी एक्सचेंजर, मोबाइल सेम्स और कैफेटेरिया भी मिलेगा। टोरंटो एयरपोर्ट से आपको ये फ्री शटल सर्विस मिलेगी जो आपको इस ट्रेन स्टेशन तक लेके रहेगी। यहाँ से आपको टिकट परचेस करना है टोरंटो यूनियन सिटी जाने के लिए। ये टिकट मशीन है और टोरंटो सिटी के अंदर जितनी भी ट्रेन स्टेशन है वहाँ पर ये टिकट मशीन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक प्रेस्टो कार्ड भी है ट्रैवल के लिए, जिसकी कॉस्ट 4 कैनेडियन डॉलर्स है, और उसमें आप जो है वो कार्ड को रिचार्ज करके और ट्रैवल कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टोरंटो सिटी, और यहाँ बोर्डिंग के टिकट आपके चेक किए जाएंगे। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो कल डी ये ट्रेन जो आपको टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट से मिलेगी और आपको सिटी सिटी सेंटर जो है टोरंटो यूनियन वहाँ पे लेके जाएगी। टोरंटो सिटी का ये फेमस ट्रेन स्टेशन है यूनियन ट्रेन स्टेशन, जो कि टोरंटो डाउनटाउन में है। यहाँ से डेली हज़ारों पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, और ये ऑफिशियली जो है 1927 में ओपन हुआ। यहाँ से टोरंटो सिटी और टोरंटो से बाहर जो कनाडा के बाकी सिटीज़ में जाने के लिए आपको ट्रेन मिल सकती हैं, और यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए भी आपको यहीं से ट्रेन मिली।
टोरंटो सिटी के हार्ट में ये नथन फिलिप्स स्क्वायर है, आइकॉनिक लेटर से लिखा हुआ है टोरंटो, और ये बहुत फेमस और ख़ूबसूरत प्लेस है। यहाँ पे फाउंटेन है और ये बहुत बिजी एरिया है, और रात के टाइम भी यहाँ पे बड़ी ख़ूबसूरत लाइटिंग लगी होती है। और ये जगह जो है ये काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी यूज़ हो जाएगी। जैक लेटन फेरी टर्मिनल, यहाँ से आपको फेरीज मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस पर जो है वो तीन आइलैंड है, यहाँ वहाँ जाने के लिए आपको इस टर्मिनल से फेरी मिल सकती है। अभी हम जहाँ विजिट करने जाएंगे इसका नाम टोरंटो आइलैंड पार्क है, यहाँ से फेरी मिलती है और ये डाउनटाउन के अंदर ही फेरी टर्मिनल है। फेरी पे जाते हुए आपको ये सीएन टावर और टोरंटो की बाकी बिल्डिंग्स का भी खूबसूरत व्यू नज़र आएगा। टोरंटो सिटी के अंदर जो ट्रेन्स चलती हैं, जो ट्रेन का नेटवर्क है उसको सबवे बोलते हैं, और ये टिकट मशीन है, ये टोरंटो सिटी जो ट्रेन स्टेशन है सबवे वहाँ पे हैं। तो यहाँ से आप जो है वो इनका जो फास्टर कार्ड है दिस वन, आप वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, $6 का, उसमें आप टॉपअप करवा सकते हैं, और टॉपअप से मतलब जितना ट्रेवल आप करेंगे आपको ईच टाइम आपको टॉपअप करवाना होगा, वो कार्ड से पेमेंट होती है और इसमें जो है कैश पे एक्सेप्ट है। ये टोरंटो की ट्राम है, लेकिन यहाँ पे इसको स्ट्रीट कार्स कहा जाता है, और ये 11 स्ट्रीट कार्स जो हैं वो पूरे टोरंटो में ऑपरेट हो रही हैं। हम जिस सिटी में भी जाते हैं वहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लाजमी इंजॉय करते हैं। देखें यहाँ ट्राम के अंदर भी इन्होंने टिकट मशीन लगाई हुई है, कि किसी किस्म की कोई टोपी नहीं चलेगी कि मैं भाग रहा था, ट्रेन निकल गई, पैंट फट गई, आपको लाजमी टिकट परचेज़ करना है यहाँ पर।
कनाडा में ये डबल डेकर ट्रेन भी चलती हैं जो यहाँ से अमेरिका भी जाती हैं, लेकिन वो बहुत लॉन्ग जर्नी है। ये ट्रेन जो है इसको सबवे कहा जाता है और टोरंटो में ये 4 लाइन्स ऑपरेट हो रही हैं। Before exiting the train, stay back from the yellow platform lines and never cross the tracks. Please let passengers use first. If you tapped on with your Presto, credit card, phone, or watch, remember to tap off with the same card or method if you... Toronto City को जो है वो Canada का financially और commercial hub भी कहा जाता है और एक multicultural city भी है। तकरीबन दुनिया के हर city से लोग यहाँ पे रहते हैं। टोरंटो जो है वो एक फ्रेंडली सिटी है। यहाँ पे हमें लोग बड़े फ्रेंडली नज़र आए और बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं वो। मेरे सामने आप जो देख रहे हैं ये टोरंटो सिटी का एक बहुत ही फेमस सीएन टावर है जो कि सनसेट और सनराइज़ के लिए बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी है जो तकरीबन 70 मिनट्स में रोटेट होता है। किसी ज़माने में ये वर्ल्ड का सुप्रीम टॉलेस्ट टावर भी कहलाता था। यहाँ इंटर होने के लिए आपको टिकट परचेस करना पड़ेगा। कनाडा में जो है वो इंडिजिनस पीपल भी रहते हैं जिनको फर्स्ट नेशन कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये नॉर्थ कनाडा में रहते हैं और इसके अलावा जो है बाकी सिटीज़ में भी हैं लेकिन उनकी पॉपुलेशन कम है। और इसके अलावा जो टोरंटो है इसको इसका जो निक नेम है टोरंटो का वो दी सिक्स भी है। हर साल हज़ारों लाखों टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं विज़िट करने के लिए। इसके अलावा बाकी काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी यहाँ पर आते हैं स्टडी करने के लिए और यहाँ सेट होने के लिए, क्योंकि कनाडा जो है वो इमिग्रेंट्स के लिए बड़ी ख़ूबसूरत डेस्टिनेशन है। यहाँ पे कई सारे ऐसे रूट्स हैं जिन पर आप आते हुए यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। कनाडा आना, विज़िट करना, स्टडी करना और यहाँ पर आके सेटल होना बहुत से लोगों का ड्रीम है। डाउनटाउन में ये सीएन टावर के बिल के सामने टोरंटो रेलवे म्यूज़ियम है। इसका टिकट भी है लेकिन अगर आप शाम के टाइम आते हैं तो आप फ्री में भी इस म्यूज़ियम का विज़िट कर सकते हैं।
ये टोरंटो हार्बर के एरिया जो बहुत बिजी रहता है, यहाँ पे बोट पार्टीज़ भी होती हैं और बाकी यहाँ पे आप जो है वो बोट्स भी बुक करवा सकते हैं।